आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर मीणावाटी गीत कलाकार रामजलाल मीणा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर बीएमआर भारत टीवी में आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना था, आपने अपने गायक की शुरुआत, गीतों के रुझान और गायक की शुरुआत आपने कब की और कैसे हुआ? मैंने गीतों की शुरुआत की 2007-08 से। अच्छा, 2007 और 8 से। उसके बाद में आप राजस्थानी आदिवासी मीणा सेवा संघ में जिला कार्यकारिणी में सांस्कृतिक मंत्री रहते हुए उसमें आपने क्या योगदान रहा आपका? ये 2015 में मीटिंग हुई थी जी राजस्थान आदिवासी की, तो यहाँ 3 दिन का प्रोग्राम होता है आगरा रोड पे, तो वहाँ मीटिंग हुई थी, वहाँ उसी के साथ में मेरा ये सिलेक्शन हो गया, इसमें सांस्कृतिक मंत्री बना दिया गया। बिल्कुल। तो मैं जब भी कोई प्रोग्राम होता था ना समाज का, तो उसमें सामाजिक संदेश देता था, उसमें मेरा ही नाम आता है। और मैं यही कोशिश करता हूँ भाई कि समाज में जो भी कुरीतियों के बारे में, दहेज प्रथा, नुक्ता प्रथा, इनके बारे में। अच्छा, आपको एक संदेश देते हैं समाज को कि भाई एक समाज में जो कुरीतियाँ वो समाप्त हो। बिल्कुल। और आपने इस सांस्कृतिक मंत्री रहते हुए आपने ये काम किया, पर एक सर मीणा गीतों का एक दंगल होता है, उस पर भी आपकी क्या राय है, इसके बारे में आप बताएं। ये बहुत फेमस है, मैंने देखा दौसा लालसोट में ये बहुत जगह ये प्रोग्राम होते हैं, उसके बारे में आप बताएं। दंगल होता है तो उसमें क्या होता है, जैसे पारिवारिक रिश्तेदार वगैरह सब इकट्ठे हो जाते हैं और सामूहिक प्रोग्राम होता है और पब्लिक चीज़ें उसमें अच्छा विचार होता है और दूसरी बात और भाईचारा बढ़ता है। अच्छा, प्रोग्राम में वर्तमान समय में धार्मिक गीतों कथाओं पर आधारित गीतों का क्या महत्व रह गया आजकल? बहुत सारे जो, क्योंकि बहुत सारी ये पाश्चात्य संस्कृति आ गई है, तो आप तो क्या जैसे मीणावाटी के लोकल गीत गा रहे हैं, कई बार लोग समझ भी नहीं पाते हैं उनका आजकल क्या महत्व रह गया, और आप उस गायक कलाकारी को किस तरीके से देखते हैं ये आप बताएं। धार्मिक में जैसे पहले तो ये काल्पनिक चीज़ें ज़्यादा चलती है, लेकिन मैं आज की हकीकत जैसे हमारे समाज में भी है, सभी समाज में जैसे पुराने राजा महाराजा हुए हैं, गढ़ किले हुए हैं, तो उनके कौन बनाया और कौन कैसे, उनकी रचना बनाने में ज़्यादा मैं रखता हूँ भाई, ये होना चाहिए। आपने जो मीणा गीतों के द्वारा अपने समाज को क्या सकारात्मक संदेश दिया अब तक, और क्या आपके लोगों के द्वारा आपको कोई, जैसे आपके पास सोशल मीडिया के थ्रू कोई आपको कोई जानकारी दी या मतलब बढ़ावा दिया इसके लिए, तो आप क्या संदेश ऐसा दिया जो आपको लोगों को भी अच्छा लगा आपके पास, उसके वापस से रिपीट में रिव्यूज है, इसके बारे में बताएं। मैं सबसे ज़्यादा तो जैसे हमारे समाज में गोत्रवादी और जैसे राजा महाराजा हुए उन्हीं के बारे में ज़्यादा करता हूँ मैं, और ये कुरीतियों के बारे में ज़्यादा देता हूँ यही, और वापस मेरे को लोग वह भी इसी के जानते हैं। नहीं नहीं, मैंने एक अपने राजस्थानी गीत में एक देखा जैसे गुलाबो जी थे, पन्या से पढ़ते, ये भी एक सांस्कृतिक या राजस्थानी संस्कृति को बढ़ावा देते, आप भी उसके प्रति जैसे उनको, बहुत सारे मैंने साउथ में भी देखा उन लोगों का, एक क्रेज था, एक गाना था उनका गाड़े गुदपड़े मेला में, तो वो ऐसा फेमस था कि हम लोगों को बहुत सुनते थे, तो आपका भी कोई ऐसा गीत जो बेहतरीन गीत वो आप गा करके या सुनाए जो लोगों को बहुत पसंद आया? हमारा शुरुआती गाना था एक 2010 में गाना रिलीज हुआ था, वो था कड़जो गाँव को जमानो नई बहु जेठ सु बोले। अच्छा, तो सब सुप्रसिद्ध है जमानो। अच्छा अच्छा, तो आप मतलब हर घर में, हर कोना में, मतलब प्रत्येक आदमी के पास में। जो जयपुर जिले के प्रमुख गोत्र व गांवों के उल्लेखनीय रचना सराही गई, उसके दिया आपके पास कैसे आया, जो क्या आपने बताया उनके बारे में, और जो क्योंकि बहुत सारे आपने जो यहाँ पे जैसे वो ब्राह्मण हो चाहे मीणा हो चाहे राजपूत हो, सब में अलग अलग गोत्र होते हैं, और गोत्रों के द्वारे हम लोग संस्कृति शादी ब्याह सब उसी के द्वारा होती है, तो उसको आपने कैसे लोगों को उसमें बताया संदेश? वो क्या है, मैं तो शुरू से ही इसमें जुड़ा हुआ हूँ ना, जैसे सांस्कृतिक मंत्री बनने के बाद में मैं मतलब प्रत्येक सामाजिक मीटिंग होती थी, सामाजिक प्रोग्राम होता था उसमें जाता था, तो पहले तो आधी सी नॉलेज तो मेरे को गई, और फिर बाद में एक दिन क्या हुआ, ये रमेश घाटी है ना, रमेश नाम का है जो सामाजिक में पहले तो उपाध्यक्ष था और आज अच्छा है विचार, तो उसके पास जाके उसको मुझे यार एक गोतों का आप कलेक्शन बताओ, तो उसके पास कलेक्शन मिल गया और मेरे को भी अनुभव था, तो मैंने पूरे पहले तो जयपुर डिस्ट्रिक्ट का करा, फिर बाद में दौसा का भी लगाया, चाकसू का भी लगाया, तो वैसे करके मैंने एकत्रित किया, मगर कुछ हट गया अपना को देना है,
तो ऐसे आपके जो गीत हैं कहीं जैसे गुजरात है, यूपी है, बिहार है या हरियाणा है, इनमें भी कुछ लोगों ने आपकी कोई डिमांड आई, कभी पूछा उन्होंने साहब ये क्या गा रहे हो और क्या ऐसे उनको समझ में आता है क्या उनसे, उनके बारे में कोई आपके पास फोन आया हो या किसी ने पूछा हो साहब आप इसको क्या आपकी ये भाषा इसके बारे में कभी कोई नहीं? हरियाणा से भी आता है हमारे पास कॉल, तो वैसे एल्बम बना के देते हैं हम, खूब कॉल आते हैं, वैसे प्रोग्राम हम दिल्ली भी किए, बीकानेर भी कर लिया। आजकल एक चीज और देखिए, चाहे वो लोकल गीत हो चाहे पाश्चात्य हो, ये अश्लीलता का बहुत बड़ा एक चलन है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अश्लील के बारे में तो ऐसे है, जैसे आज के नए कलाकार हैं ना, वो ज्यादा इसमें मतलब गलत फैला रहे गंदगी, जैसे अश्लील में, जैसे हमारे पुराने कलाकार तो नहीं है लेकिन आज के कलाकार थोड़ी ज़्यादा है इसमें, जैसे उसमें जानू वगैरह अरे कोई क्या बोलता है, जो बोलता है जो जैसे आते हैं तो वो गलत है। और दूसरी बात, उसमें समाज में असर भी होता है, बुरा असर पड़ता है, और उसके लिए मैं मना भी करता हूँ। वैसे मैं भी गीत बना के पेश भी कर दिया ऐसे, भाई ऐसे अश्लील गीत मत बनाओ। आपके समकालीन गायककार कौन कौन हैं, जो पहले के जो समकालीन गायककार आपके पुराने गायक कलाकार? तो जैसे मीणा गीतों के रचयिता तो ये चाणवास में, बस्सी तहसील में चाणवास गांव है, उनमें है राम प्रताप जी मीणा, रचयिता वही है और वही हमारे गुरु है माधव। आप अब आप बुजुर्ग हो चुके हैं, समाज के साथ गायक प्रताप मीणा, गोपाल बड़ुआ के बारे में आपके क्या विचार है? नहीं, गोपाल बड़ुआ एक वैसे धार्मिक गीत गाते थे और बहुत ही अच्छे संदेश देते थे, और वो अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किए कभी भी, उसने कभी भी धार्मिक के अलावा कुछ भी बद्दा गीत बद्दा कुछ भी नहीं गाया। आपने अभी दो गीत गाए, एक तो रिट पेपर को लेकर के और वो भी बहुत फेमस हुई है, और एक आपने अभी जो राजस्थान का जो बजट हुआ गहलोत द्वारा, उसके ऊपर भी एक गीत गाया आपने, उसके भी मैंने बहुत सारे रिव्यूज आपके देखे मैंने, वो आपको कहाँ से ये चीज़ मिली और वो तो उसके बारे में आप क्या राय? रिट की तो पॉपुलर हो गया था ये, तो हमारे डाक साहब ने भी खूब कोशिश की थी, उसमें जो पेपर में आया वो देख के हमने बना दिया। अच्छा, और बजट के बारे में भी आपने इसी तरीके से बना, इसी तरीके से बना दिया। आप अब समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, जो आल राजस्थान के जो जितने समाज हैं, क्या आपका संदेश हमारे जो स्टूडियो के थ्रू आप क्या देना चाहते हैं? समाज को मैसेज यही है कि मैं जब तक रहूँगा मैं, जब तक मेरी गायन शैली चले गई, जब तक मैं समाज को ऐसे मैसेज दूंगा जो कि समाज में अच्छा प्रभाव पड़े, और जैसे कुरुतियों है, दहेज प्रथा है और वगैरह जो भी कुरुति गलत है उनके ऊपर गीत बनाता हूँ। नहीं, ये तो सरकार ने भी बहुत सारी कुरुतियाँ अभी पास बजट में पास किया, अभी विधानसभा में उन्होंने विधेयक लेके आए हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुरुति ऐसी हैं जो हम लोग दबाए हुए काम करते हैं, तो उनको आप क्या, जो युवाओं को और जो महिलाएं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको युवाओं को देखो, महिलाओं को संदेश तो यह है जो आजकल ये इंस्टाग्राम पे इसमें ये बेहुदा डांस करती है ना, उसमें भी हमारे समाज में बहुत फर्क प्रभाव पड़ता है उससे, तो मैं उसके लिए भी ये टिप्पणी करता हूँ कि बहुत गलत है। युवाओं के बारे में आप बताएं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के बारे में तो यही है कि ये गलत है, ये गीत वीत भी गाते हैं आजकल बहुत ही, तो मीणावाटी में ये गीत गाने लगे, तो उनको गीतों से हट के मतलब पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद रामजी लाल।